गुड मॉर्निंग फैमिली, स्वागत करते हैं आप सबका दीपक जैसव ब्लॉग के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस इधर देख सकते हैं, सुबह सुबह भाभी जी छत पे आ गई हैं और क्या कर रही हैं? गेहूँ क्या करने जा रही है? अच्छा गाइस, सुबह सुबह भाभी ने गेहूँ पछोड़ दिया। इधर आलू देख सकते हो, इधर भाभी और मम्मी के न रहने पर बहुत ज़्यादा काम बढ़ गई है घर पर, क्योंकि खाना पीना से लेके हर काम भाभी कर रही है। सोना परी को संभालना, देख सकते सोना परी, हाँ वही देख रहा हूँ उसको मैं। गाइस बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देना। तो आज पहले चेहरे का लुक चेंज करेंगे, क्योंकि आज हो गया संडे और संडे के दिन हमारे मार्केट में नाव की दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। क्या अच्छा ये कचरा उठा के दे रही है कि चीज़ नहीं दे रही है, अभी शुरू हो जाएगी। खाती बहुत तेज है, मना भी करते हैं। तो गाइस बैक कैमरा करते हैं, फिर मिलते हैं। अच्छा मैं बता रहा था कि हमारे यहाँ नाई पे दुकान पे आज भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो आज चलते सैलून नाई सब एक ही होता है, कुछ लोगों को बता देना चाहते हैं नाई भी, नाई की दुकान पे। तो गाइस जैसे मेरा ट्रिप आने वाला है तो ट्रिप की तैयारी कर ले रहे हैं, चलते हैं बाहर, थोड़ा सा सेट और दाढ़ी वगैरह शेविंग करा लेते हैं और आपको दिखाएँगे कैसे कैसे आज हम अपने चेहरे का लुक चेंज करते हैं, क्योंकि ये चेहरा अभी तक अच्छा नहीं लग रहा है। अभी थोड़ा शेविंग वगैरह कर लेंगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग ब्लॉग के अंत तक बने रहेगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो ये गाइस गेहूँ पूरा देख सकते हैं आप लोग। अब इसलिए गाइस ना आटा ख़त्म हो गया था तो भाभी सुबह सुबह बोले कि आज गेहूँ धो देते हैं। सीसा देखो गाइस, ये गेहूँ में सीसा पत्थर भी निकल रहा है, अब ये देख सकते हो। मतलब अगर भाभी ध्यान न दें तो ये चक्की पीस के खाया भी जा सकता है, और खाते भी होंगे कितने लोग ध्यान न देते हो तो। अरे हम कितना पानी से उसको धोने। गाइस ये देख सकते हो सीसा निकला है यार, ये भी कोटेदार हो गए हैं कि क्या बताएं हम। मार्केट से गेहूँ लो ढोरो पछोरो ना तो ये सब चीज़ें पता ही नहीं चले। तो गाइस आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि मतलब गेहूँ घर में धोते वक्त बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। और सोना जी हमारे देख सकते हैं, सोना यार सुबह सुबह जाग गई है। बेटू मेरे साथी पत्थर पत्थर दे रही फैमिली, और कुछ है क्या, जाओ। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, भाभी जी पूरा गेहूँ फैला लेती हैं। तब देखो गेहूँ चढ़ रही है। नहीं सुना, नहीं सुना। चलो हटो 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 सर। A few moments later। तो फैमिली देख सकते हो अब हमारा नंबर खराब बनाने का हो काफी खराब बनाने का पहले बाल कटिंग करवा लेते, तो काफी बाल लंबे हो गए आप देख सकते हो। आज कलर भी लगवाएंगे बाल में, चेहरा अच्छा नहीं लग रहा यार, फटाफट करो यार, तो अच्छे से बनाना देखने में अच्छा लगे। दोस्तों फिर एक बने यार, बाल थोड़े से सेट टूट गए ना, वाइट वाइट हो गए हैं, पता नहीं कैसे हो गया है बाल में। मैं कुछ अलग में धड़िया मारते पा रहा हूँ मिठाई कुछ अपने लगा के। नहीं हवा नहीं है, कलर लगाते रहो तुम। हां कलर वैसे ना लगे, बड़ा कलर का तोड़ लेते छुले कलर पहले लगाओ, बीच लगाओ लाल कौन पे हम तो लगाओ तो ही दूर खा रहा है जाम और हम जाए ना तार वाली होगा जारी जरा सा बैठे हां ये कहां मान हां समय भी नहीं है। अरे इन लोग में यारू भाग गई बा। नीचे बात है। मैं सोच रहा था कि अभी जवाब बात देख ले, बाद में डॉक्टर की ना। ना एक बात देख। तो गाइस अब पूरा चेहरे का पूरा मेकअप ब्लीच लगने वाला है। तो अभी चेहरा देख सकते हैं कैसा है, फिर अभी ब्लीच लगने के बाद पूरा गेटअप चेहरे का चेंज हो जाएगा, तो देखते हैं कैसा लगता है चेहरा। तो आप लोग को भी मुना चले आएगा परेशान हो, आप लोग आ सकते हो, यहाँ पे करा सकते हो।
काम करें काम हमारे चोरी बजा में अच्छे से लेंगे ना चले यार क्या बता रहे कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हो ना चले कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हो फेम 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 तो इससे भी अच्छी कंपनी आती है ना लोकल सोकल यूज करते हो इंडिया का बेस्ट कंपनी है सबसे पहला पहले बताया ना कि ये लगता भी है यार चेहरे पे पहली बार लगवा रहा हूँ ब्लीच आज इतनी उम्र में पहली बार ब्लीच करवा रहा हूँ अभी नहीं लगवाया तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा लुक इस समय ये रहा क्योंकि अभी लाइट आएगा चेहरे पे क्योंकि उसने बोला है सलून वाले ने कि एक से दो दिन में लाइट आ जाएगा। मैंने ब्लीच कराया फेसियल कराया फेस वॉश मतलब फेस पैक लगवाया आज पहली बार मैंने मतलब अपने चेहरे का पूरा गेटअप चेंज करा दिया है क्योंकि अब ट्रिप निकलना है तो थोड़ा सा चेहरा चमकता रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो आज पहली बार कराया कैसा लगा आप लोग को और हमारा जो भी फेसियल वगैरह चेहरे का हुआ है और लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसमें सोना को आज मैं सोना को अपने हाथों से नहलाया हूँ और देख सकते हैं भाई सोना कैसी दिख रही है। सोना है कर दो तो है कर दो बाबू कैसे है करती हो है कैसे करती हो अभी सोच रही है पता नहीं क्या। तो बार में डाई भी गाइज लगवाया था बारगेंडी कलर गिर जाओगी बिट्टू उतार दो नीचे क्या चलो उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ क्या अच्छा ता क्या लोगी क्या सोच सूज मांग रही है ताक मतलब सूज कहती है। तो गाइस चलते हैं पहले इंस्टाग्राम पे एक दो टो डेट्स बना लेते हैं फिर आपसे जुड़ते हैं कि चलते हैं भाभी जी देखते हैं क्या कर रही है और कार्तिक बेटा मेरा क्या कर रही है। सुंदर देखिए कैसे जा रही है अंदर सूज सूज निकाल दे देखिए शाम सूज निकालते हैं अभी इस झोले में रखा हुआ है किधर है यार इधर है अब देखो ये इसको निकालते हैं कौन सा निकाल के पहनती है देख सकते हैं हम लोग कौन सा पहनोगी कौन सा कौन सा कौन सा पहनोगी बताओ कौन सा ले लो तो गाइस चलते हैं रील्स वगैरह बना लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं कुछ देर में। तो गाइस इतनी गर्मी लग रही है मैं तो ये जो कलर मेरे लगा हुआ है ना लगता है साफ सही से साफ नहीं हुआ और मुझे लगा कि मेरे ब्लड चुराया अचानक से मुझे लगा कि मेरे चेहरे पे क्या हो गया कि कहाँ से ब्लड आया मैं तो डर ही गया लेकिन जब मैं ध्यान से देखा तो ये देखा कलर मेट मतलब सही से छूटा नहीं लगता इधर और बच गया था क्योंकि शैम्पू से वगैरह से साफ किया हूँ तो साफ नहीं हुआ साफ हम तो बहुत डर गए लेकिन सही सलामत है बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने केयर किया जो उसको मतलब थोड़ा सा देखा तो मैंने सोचा आप लोग को भी क्लिप दिखा देते हैं कि मैं अचानक से क्यों डर गया। तो ये देख सकते हैं आप लोग बाल थोड़ा हमारा बर्गंडी हो गया है थोड़ा सा जो बाल वाइट वाइट दो ठो हो गए थे गाइस ना तो अब सही दिख रहे हैं क्या सोना अच्छा पहन ली देखिए गाइस सैंडी पहन ली है ये बोल रही थी क्या स्लीपर हाँ देखते हो बोलती है भैया कल मुस्कुराएगी। तो गाइस चलते हैं किचन में देख रहे भाभी जी क्या खाना बनाइए खा पी लेते हैं और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप लोग जरूर करिएगा और कैसा लगा आज हमारा पूरा चेहरे का लुक चेंज और बार में ड्राई वगैरह करा के कैसा लगा तो आप लोग जरूर बताइए। सो गाइस किचन में आ गए हैं भाभी जी इधर बैठी हैं सोना को कार्तिक को खाना खिला रही हैं घर में अकेले पूरा काम करना
मैनेज करना तो भाभी से कोई सीखे। इधर ब्लॉग भी देख रहे हैं किटो का, शायद किटो का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है, घर पहुंच गई है, तो वही भाभी ब्लॉग देख रही है। मैंने पूछा क्या कर रही, वो भी ब्लॉग देख रहे हैं। घर डिस्चार्ज हो गई है गई जो, और घर पहुँच गई। पर अच्छा लगा कि चलो अच्छी खबर मिली है ये भी कि दिल्ली से कि किटो पहुँच गई है घर सही सलामत एकदम। अब डॉक्टर जिस दिन बुलाए होंगे चेकअप लिए अब जाएगी, तो अब तो दिल को थोड़ा सा तसल्ली मिला गई जब ये बहन अब सही सलामत तो घर पे ही आ गई है। ये देखिए भाभी देख रही है ब्लॉग, आप लोग को दिखा देते हैं। हॉस्पिटल में ही है और डिस्चार्ज हो रही, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अच्छे नए वीडियो सर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग ऐसे ही दुआ करते रहे कि हम पूरी फैमिली सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें और आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें, बनाते रहें।